से लगातार चर्चा करें। टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप को लेकर आपके साथ लगातार खबरें बता रहे हैं और भारतीय टीम एक तो निकल चुके जिसके अपडेट हमने आज सुबह सुबह आपको दी थी, और अभी अगर बात करें तो उड़ान भी भर चुकी है भारतीय टीम, उस पर भी अपडेट इन डिटेल। काफी लोगों के मन में काफी सवाल है, जो सवाल अब से लेकर 10-15 मिनट बाद आपके साथ हम जब जुड़ेंगे तो सारे सवाल साफ हो जाएंगे। भारतीय टीम को बेस्ट विशेस, एक बैच निकल चुका है, कौन उसमें थे कौन नहीं थे इसकी पूरी जानकारी तकरीबन 10-15 मिनट में देंगे। लेकिन जो काम वहां जाकर करना है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठानी, और उसके लिए अलग अलग टीम्स खेलनी है, उनमें से इंग्लैंड और पाकिस्तान यहां पर खेली थी, और पाकिस्तान भारत के ग्रुप में जय भाई 183 का लक्ष्य था और पाकिस्तान उस मुकाबले में पीछे रह गई। और फिर वही हुआ जो हम कहते भाई, तो रिजवान ऊपर पहले जल्दी आउट हो गए, बाबर आजम की स्लो इनिंग्स, वहां पर मोमेंटम थोड़ा अरेस्ट हुआ, बावजूद इसके कि फकर जमान जिस तरीके से आए, आई थिंक शुरुआती 4 गेंदों में 4 चौके, उसके बाद उन्होंने तो अटैक खोले रखा, पर T20 क्रिकेट सिर्फ एक इंडिविजुअल खेल रहा था, वो था फकर जमान, बाकियों की वही टुक टुक क्रिकेट चल रही थी। मुझे अगर सच पूछे तो मुझे पाकिस्तान से बड़ी उम्मीद भी नहीं थी कि ये वो स्कोर चेस कर पाएंगे, बट जिस तरह की क्रिकेट फकर जमान ने खेली, कम से कम आप ट्राई तो करते। बाबर आजम की इतनी बात होती है, रिजवान की इतनी बात, रिजवान तो खैर पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन बाबर आजम विकेट पर टिके हुए थे, और उस टाइम पे अगर एक मोमेंटम उनकी तरफ से भी शायद मिल जाता तो ये स्कोर चेज भी हो सकता था। क्योंकि वक्त पे जब फकर जमान खासकर जब खेल रहे थे, जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, बट दूसरे एंड से सेम वही अप्रोच, बाबर आजम अपने रनों के लिए जा रहे थे, और वो चीज मतलब उन्होंने आज कितने बनाए रन बता देते, 32 रन बनाए 26 गेंदों में, जिसमें 4 चौके मनोज। तो ये बल्लेबाजी आपको दुनिया के क्रिकेट, अगर आप देखो T20 क्रिकेट में बल्लेबाज किस तरह के क्रिकेट खेल रहे हैं, और जय भाई पाकिस्तान का नजरिया वही है, क्रिकेट वही है, वो टॉप ऑर्डर में बदलाव के इनके लिए प्रॉब्लम एक है, क्योंकि सैम अयूब, हम बात करते थे सैम अयूब की जरूर, जो उनका PSL CPL में उनका रोल, हम लोग सैम अयूब की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, क्या कर रहे थे कि इस टीम का सबसे बड़ा मैच विनर कौन है, फकर जमान, आपने उनको पहले 3 किया फिर अब 4 कर दिया, उनको कायदे से ओपन करना चाहिए था सैम अयूब के साथ। अब यही है ना कि अब ये डिसीजन ये ले नहीं रहे, बट अगेन जो हमने मिड रिंग से ही बात करी थी कि भाई इंग्लैंड भी बाद में फंसा स्लो हुआ, और हमने बात करी थी कि सरफेस जो आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा वहां पर कटर्स वगैरह को असिस्टेंस थी, और पाकिस्तान क्योंकि उनका एक इशू रहा है कि स्पिन के अगेंस्ट उतने बेहतर नहीं है, रिजवान आउट में मोइन अली डाल रहे थे, एक राइट हैंडर को ऑफ स्पिनर डाल रहे थे, उन्होंने पहले उनको आउट किया, और बाबर भी जब आउट हुए उससे पहले आदिल रशीद को 3 बैक टू बैक डॉट बॉल्स खेले थे, और फिर आउट शायद मोइन पर ही हुए, मतलब स्वीप मारते हुए आउट हुए, तो पिछली 5 गेंदों में उन्होंने शायद 1 रन बनाया था, और डॉट का प्रेशर वो था वो शॉट के लिए, और अगेन स्पिन नहीं फंसाया। आदिल रशीद जब आए उनका एक ओवर अच्छा आता है वहां पर, उसके बाद दबाव बनता है, हालांकि आदिल रशीद की बाद में एक ओवर में पिटाई भी करी गई, आई थिंक इमाद ने और इफ्तिकार ने एक एक छक्का जब मारा तो तब भी लग रहा था, यानी कि मैच आपको आखिर मेरे ख्याल से 30 गेंदों पर 60 रन कुछ चाहिए थे शायद। ये सारी चीजें थी उस फकर जमान के उस इनिंग के उस इनिंग्स के बाद, और फिर जब वो आदिल रशीद वाला ओवर आ गया तब जब आदिल रशीद के एक ओवर में मेरे ख्याल से एक इफ्तिकार, इमाद वसीम ने आकर बड़ी अच्छी बैटिंग करी, अटैकिंग उन्होंने आदिल रशीद को जो निकल कर एक छक्का मारा, स्टेप आउट किया आदिल रशीद क्योंकि इंटेलिजेंट बॉलर है, रुक कर उनको बॉल रोका, उन्होंने हल्का डाला, बट इमाद ने भी वेट करके प्रॉपर 6 मारा, और फिर शायद जब सिंगल गया लास्ट बॉल थी उस ओवर की शायद, तो उन्होंने इफ्तिकार को कहा भी, क्योंकि जैसे उस वक्त भी बात करते कि डिस्कशन तो हिंदी में ही हो रही होती है, उन्होंने कहा कि मार देना इसको, और इफ्तिकार ने भी उस पर एक हिट लगाई और 6 हो जाता है, तब भी गेम ऑन लग रही थी, बट देन शुरुआत में थोड़ा सा जो मोमेंटम अरेस्ट हुआ, फकर के अलावा इवन इफ्तिकार भी फंसे हुए खेले शुरुआत में, उनके भी रन नहीं आए, आजम खान 80 रन अगर आप चेज कर रहे हो तो आपके ऊपर के बल्लेबाजों का रन जरूरी होता है, आप इमाद वसीम अगर आके मैच जिता भी देते तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग टाइप की हो जाती वो, लेकिन जो मोमेंटम अगर आपको टॉप ऑर्डर नहीं दे रहा है, रिजवान चलो ठीक है 3 गेंदों में आउट हो गया, वो तुरंत 0 पे डक पे ही आउट हो गए, तीसरी या दूसरी गेंद थी जिसपे आउट हुए थे, आई थिंक थर्ड मेरे ख्याल से, दो डॉट हुई थी और थर्ड, तो उनके बाद जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई बाबर अगर उस टीम में आज सीनियर आज कप्तान वो खेल रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इनिंग को उस पेस पे रखें, बट अच्छा ये चीज में नाकाम रहे। आई थिंक जो 13वां ओवर था उस टाइम पर स्कोर था 101/6, मतलब यहाँ लग रहा था कि गेम शायद अब पूरी खत्म ही हो गई है, क्योंकि फकर जमान आउट हो गए थे, और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शंस, बॉलिंग ऑप्शंस, लिविंगस्टन को दिया इंग्लैंड ने बॉल उस टाइम पर, और जब फकर क्रीज पर है, फकर ने छक्का ही मारा था लिविंगस्टन को, बट देन वो ऑफ ब्रेक करते हैं लेफ्ट हैंडर को और राइटियों को करते हैं लेग स्पिन, लिविंगस्टन ने उनको आउट किया 13 ओवर में 101/6, और यहां पर लगा कि शायद अब यहां पर मैच खत्म हो गया, बट जो अगला